मध्य प्रदेश लोक सेवा द्वारा पूरे प्रदेश भर से चयनित लगभग 2500 असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा शनिवार को माननीय कमलनाथ जी एवं उच्च शिक्षा मंत्री जीजू पटवारी का स्वागत किया गया। उल्लेखनीय है कि पीएससी द्वारा इन चयनितों का परीक्षा परिणाम अगस्त 2018 में आया था एवं इनके दस्तावेज सत्यापन का कार्य सितम्बर 2018 में सम्पन्न हो गया था। अब केवल इनके नियुक्ति आदेश जारी होना शेष है। गौरतलब है कि इससे पूरी परीक्षा में लगभग 2500 में से 2100 चयनित मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, जो कि मुख्यमंत्री जी एवं उच्च शिक्षा मंत्री जी का स्वागत करने अपने परिवार के साथ इंदौर आए थे। स्वागत समारोह का कार्यक्रम असरावत खुर्द में नवनिर्मित पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक 500 बेड के कन्या छात्रावास भवन के लोकार्पण अवसर पर किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कमलनाथ, केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय मंत्री थावरचंद गहलोत, प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन, उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी, स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आरिफ अकील, सांसद शंकर लालवानी, महापौर मालिनी गौड़ भी यहाँ उपस्थित थे। मानते हैं मध्य प्रदेश का अधिकार आप पर है ना, आप अधिकार है आपको, दिल्ली में मध्य प्रदेश की लड़ाई लड़िएगा, मध्य प्रदेश की लड़ाई लड़िएगा ताकि मध्य प्रदेश के विकास का एक नया इतिहास बन सके। बहुत खुशी हुई आज ये महिलाओं की हॉस्टल, ये बच्चियों की हॉस्टल में आ गई। पर एक बात हमें समझनी है कि 20 साल 25 साल पहले कोई इस प्रकार के लिए ओबीसी की महिलाओं के बारे में सोचता नहीं था। ये समय का परिवर्तन है, समय का परिवर्तन। एक हॉस्टल ही उसका प्रतीक नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इंदौर में आए हुए हैं। हम पूरे प्रदेश से पीएससी से चयनित सहायक प्राध्यापक संघ के पूरे सदस्य 2500 लोग हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय जीतू पटवारी जी हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं उनका स्वागत करने के लिए। अभी विगत 17 तारीख को माननीय न्यायालय जबलपुर ने में एक डिसीजन आया है, हमारे पक्ष में डिसीजन दिया है। 15 दिन का समय राज्य शासन को माननीय न्यायालय ने दिया हुआ है। हम निवेदन करने आए हुए थे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि पीएससी से जो चयनित हुए हैं उन लोगों को 3 दिन में नियुक्ति दी जाए। जब भी हमारा पीएससी से रिवाइज लिस्ट जारी हो जाती है, हम माननीय जीतू पटवारी जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन कर रहे हैं कि हमें 3 दिन में नियुक्ति आदेश जारी कर दिया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में शिक्षा की हालत बहुत ही दयनीय है और पिछले 27 सालों से मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग में कोई भर्तियां नहीं हुई है। ये मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि पीएससी के माध्यम से 2600 वेल एजुकेटेड वेल क्वालिफाइड टीचर से यहाँ पे प्रोफेसर मिल रहे हैं, तो हम लोग सारे लोग आज अभिनंदन करने आए थे, स्वागत करने आए थे। डायरेक्ट नियुक्ति में क्या प्रक्रिया? देखिए, हम विगत 1 साल से नियुक्ति की बात जो रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि च्वाइस बिलिंग अभी रहने दिया जाए, हमको जल्दी से जल्दी 3 दिन में नियुक्ति दी जाए। हम लोग लगभग पूरे प्रदेश से 2500 लोग जो चयनित हुए पीएससी के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर, वो सारे लोग माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी का स्वागत करने यहाँ आए थे और उनकी तरफ से आश्वासन मिला है कि आप लोगों को जल्द नियुक्ति देंगे। क्योंकि मामला अभी तक कोर्ट में था और पिछली 17 जून को जो उच्च न्यायालय जबलपुर ने जो आदेश दिया उसके तहत कहा है कि राज्य शासन इसमें 15 दिन में उचित कार्रवाई करके इन्हें ज्वाइनिंग दें।